लो भाई आपका राशन। जी भाई शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आजकल गरीबों को कौन ध्यान दे रहा है। नहीं भाई वैसी बात नहीं है, आप लोगों की भी जरूरत है। शुक्रिया भाई। इतना टाइम पास क्यों कर रहे थे अंदर? बात कर रहा था भाई इससे। अच्छा ठीक है चलो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई राशन जिसको मतलब ऐसा तुम्हारे नजर में कोई गरीब होगा जिसको राशन देना तो मुझे कॉल लगा देना और मुझसे लेके चले जाना। ठीक है भाई। ठीक है ठीक है। भाई मम्मी ने इसलिए बाजार से सामान लाया है और इस साथ में पैसे, दाल चावल शक्कर नमक, ये तो राशन के किट में था। ये राशन के किट देने आने की अपनों को एक जगह चल रहे ना। हाँ चलो ना भाई। हाँ भाई क्या क्या है भाई ये राशन की किट में? इसमें दाल चावल शक्कर नमक और जरूरी जो चीजें लगती है अपनों को डेली यूज के लिए वो सब है उसके अंदर। अच्छा ठीक है चलो भाई। फिर मैं अपने पास से पैसे क्यों खर्च करूँ, मैं से अपने पास रख लेता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ भाई वो राशन की किट होना था मुझे। हाँ भाई राशन की किट। हाँ ठीक है लेके चले आना। वो हमारे तरफ एक अमीन भाई है उनको लग रही थी। हाँ कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी जब लेके चले आना। हाँ ठीक। हाँ भाई आ गए। हाँ भाई किसको लेना है? ये अमीन भाई। हाँ गली के। हाँ गली के। हाँ चले। हाँ ठीक है ले। चलो जब बच्चे खाना मांगते हैं तो कहाँ से दूँ जब राशन ही नहीं मिला तो। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। मिला कोई कंटेन? अरे नहीं ना भाई, कहाँ से मिलेगा कंटेन, सब लॉकडाउन का पार्क वार्क बंद है। जब तक लॉकडाउन है तब तक कोई वीडियो नहीं बनी। हेलो भाई मैं तुझे थोड़ी देर से कॉल करता हूँ ना, शायद मुझे कंटेन मिल गया। ए भाई भाई बहुत परेशान लग रहे हो। खाने पीने कुछ नहीं भाई, राशन भी नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है। सही क्या आपका मसला? तो आप ऐसे कीजिए 5 बजे सफेद गेट है बड़ा, आपको पता है? हाँ हाँ वहाँ पर आ जाइए ना। ठीक है भाई। हाँ चलेगा, याद चाहिए? हाँ ठीक है भाई। इधर आओ, आप मेरा नंबर ले लीजिए ना, दिखाइए मोबाइल, डायल कर लो। ये जो पहला नंबर है ना ये मेरा ही है, कॉल कर देना 5 बजे। ठीक है भाई। रेडी रहे, वो आ रहे हैं। आ रहा है ना भाई, रेडी रहे। हेलो। हाँ भाई मैं सफेद गेट पार्ट आ गया हूँ। अरे भाई, अरे भैया मैंने आपको सफेद गेट नहीं बोला था, नीला गेट बोला था। हाँ हाँ जी आइए। ठीक है ठीक है। पुणे ने उठा रहा है यार वो। हेलो सॉरी भाई, वो मैं ना आ रहा था, वो जो आपको राशन किट देनी थी ना वो घर वालों ने किसी और को दे दी। अरे सर भैया आपको बुरा लगे, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे, प्रैंक बना रहे थे हम। या अल्लाह देख रहा है तू अपने बंदों को? अरे क्या कर रहा है भाई, मेरी गाड़ी मिली है तुझे मारने के लिए? मुझे इस दुनिया में नहीं मिला। क्यों क्या हो गया भाई? लोग राशन देते हैं ना खाने पीने देते और ऊपर तंग करते। क्या तंग किया, किसने तंग किया? आप बैठो, मैंने आप कौन और अलीम भाई हो ना जो शोएब भाई के घर के पास में रहते हो? मैंने तो आपको राशन भिजवाया था। मिला नहीं मुझे। नहीं मिला? मैं शोएब भाई से बात कर लेता हूँ, आप बैठो। हेलो भाई शोएब भाई। हाँ मुझे आपसे अर्जेंट काम है, जरा मेरे घर के पास में आएंगे आप? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ भाई। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है बैठो, आप बैठो। आ रहे हो शोएब भाई? मुझे तो लग रहा है शोएब भाई ने राशन किट भेज दी है, अब पैसे खा लिए। आओ शोएब भाई आओ। हाँ भाई क्या ये आपका अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ।
हलीम भाई को आपके हाथ से भेजा था ना मैंने? हाँ भाई। आपने क्या किए मुझे सच सच बता। भाई मैंने वो राशन की किट अपने घर में रख डाला था। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, गरीब को बहुत परेशान था उसके साथ, तुमको मालूम है क्या क्या हुआ? हाँ उसने बताया मुझे। क्या हुआ भाई? भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए था। भाई अब ये पैसे लिए, अब ये गरीबों में किट बांट देना इस पैसे। भाई ये देख अपना वीडियो जो अपन ने प्रैंक बनाया था, लोगों की रिपोर्ट के कारण अपना यूट्यूब चैनल बैन हो गया। कैसे गया यार? पता नहीं, शायद अपन ने उस गरीब की मजा ली थी। वो वालेकुम दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी पसंद आई होगी। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये ताकि आप किसी गरीब का हक ना मारे, किसी गरीब के हक मजाक ना करे और इतनी मजाक ना करे कि वो सुसाइड करने या फिर अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए। गरीब की भी कुछ परेशानी होती है, आप उसकी परेशानियों को समझे और ध्यान रखें।